भाई कैसे हो? दुआ करता हूँ सब ठीक होंगे दोस्तों। दोस्तों आज हम एक और जानकारी लेने वाले हैं प्राणा क्रेन के बारे में। तो प्राणा क्रेन के साइड में लगे इस ब्लैक डिब्बा जो आपको दिख रहा होगा, ये इसका नाम क्या है और ये किस प्रकार से काम करता है, इसके बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे। तो चलो चल के वीडियो शुरू कर लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लें, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलो चल के शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इसके नाम की बात करें तो इसका नाम है लेंथ ट्रांसड्यूसर यूनिट। लेंथ ट्रांसड्यूसर यूसर यूनिट नाम है इसका दोस्तों। और ये किस प्रकार से काम, तो दोस्तों इस ये जो डिब्बा लगा हुआ है इसमें से एक वायर निकलता है। देखो ये वायर है, ये वायर आगे के देखो हुक तक जाएगी, लास्ट हुक तक। हुक से फिर ये सीलिंग में जाएगी, हुक के यहाँ तक आ गई, हुक के ऊपर से होते हुए फिर देखो यहाँ सीलिंग तक आएगी। देखो यहाँ सीलिंग तक आ जाएगी। तो ये सीलिंग की और बूम की दोनों की जो लंबाई है, लंबाई को मेंटेन करके रखती है। जिस मान लो हर क्रेन की अलग अलग लंबाई होती है, इसकी मान लीजिए टोटल लंबाई 20 मीटर है और बूम की लंबाई 20 मीटर है और सीलिंग की लंबाई मान लीजिए 10 मीटर, टोटल 30 मीटर है। 30 मीटर से ज़्यादा अगर ये बूम निकलेगा या रोप निकलेगी तो एक तरह का ये लिमिट स्विच है, ये जो इसका लीवर सिस्टम रहता है उसको स्टॉप कर देगा और रोक देगा। इसीलिए ये लिमिट स्विच है, इससे ज़्यादा ना तो बूम निकलेगा और ना सीलिंग निकलेगी, सीलिंग को मरिया कर सकते। तो ये लिमिट स्विच मान लीजिए एक तरफ का इसको कंट्रोल करके रखता है, और ये अपने लीवर से कमांड देते रहेंगे, लीवर को चलाते रहेंगे, फिर भी ये रोक देगा, आगे नहीं बढ़ने देगा। तो सबसे बड़ा ऑपरेटर के लिए बेनिफिट का सौदा है। और इसके बारे में आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में लिखें। और दोस्तों एक भाई का कमेंट आया था सीलिंग की लंबाई कितनी है और ये किस प्रकार से सिस्टम काम करता है, उस पर भी हम वीडियो बनाने वाले हैं, वीडियो में इसकी जानकारी देंगे। ये जानकारी हमारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें दोस्तों। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।